सो हेलो गाइस, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट जो आप हमारी वीडियोस को दिखा रहे हैं। ऐसे ही और प्यार दिखाने के लिए आप हमारे चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब। आती रहेंगी आगे और भी वीडियोस हर ट्यूसडे और फ्राइडे। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो है कि हम कैसे किसी को सिखा सकते हैं या कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिससे हम हेल्थी बाउंड्रीज बना सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं कि वो हमें कैसे अच्छे से ट्रीट करें जैसे हम डिजर्व करते हैं। तो हम आज उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो आइए चले देखते हैं। सो बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ कोर। आपको पता होना चाहिए आपको खुद को कैसे ट्रीट करना है और दूसरों को भी कैसे बताना है कि आपको कैसे ट्रीट करें। अगर आपको किसी का भी रिलेशन या फिर किसी की भी बातें नहीं पसंद आती है, अगर वो हेल्थी बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है, ब्लेम करता है और अच्छी चीज़ करने से या कोई भी काम करने से रोकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है। हमें बचपन से ही हमेशा सिखाया जाता है, जैसा हम आसपास से सीखते हैं, देखते हैं, हमें वैसे ही हम आगे लोगों को भी ट्रीट करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हमने नो बोलना या फिर किसी भी चीज़ को रोकना नहीं सीखा होता। हम रीइंफोर्स करते हैं किसी भी बैड बिहेवियर को या फिर ऐसे अनडिजायरेबल बिहेवियर को जो कि आपको नहीं पसंद आता। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करता है, आपके जो मोटिवेशन होता है उसको हार्म करता है। इवन आप इतना इनकरेज कर देते हैं किसी के बिहेवियर को कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है और आपको ही नहीं, आस पास के जितने भी लोग होते हैं सबको हार्म करता है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में जो आपको करने हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और आसपास के उन सब लोगों के लिए, उनको सिखाना है कि वो कैसे एक दूसरे को प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। बात करते हैं अपने बारे में। फर्स्टली नोटिस करना है कि कहीं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के बैड बिहेवियर को रिइंफोर्स तो नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ आ रहा है कि ये गलत कर रहा है बट मैं अपना पॉइंट नहीं रखूँगा क्योंकि उसे बुरा लग जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा या फिर वो कुछ भी कर सकता है, कुछ गलत कर सकता है। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के बैड बिहेवियर को बार बार रीइंफोर्स करते हैं या फिर बढ़ावा देते हैं। अगर कुछ अच्छा दिख रहा है हमें तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो बिहेवियर हार्मफुल हो सकता है आपके लिए या फिर किसी और के लिए भी, तो उसको वहीं पर रोक देना। सेकेंड पॉइंट इज़ टू रिकॉग्नाइज यू हैव अ राइट टू वॉक अवे। अगर आपको किसी का बिहेवियर नहीं पसंद आ रहा है और आप उसको बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो आपके पास पूरा हक है कि आप वहाँ से हट जाएं या उस इंसान से दूर हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको तो डोमिनेट करने की कोशिश कर ही रहा है। ऐसा ना हो आप उसे या फिर उसके बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हो बार बार, तो आपके पास अपना पूरा हक है कि आप वहाँ से डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं या फिर वहाँ से जा सकते हैं कि ये मुझे नहीं पसंद, मुझे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा है, आपकी बातें मुझे पसंद नहीं आ रही है, मुझे पता है मुझे अपने आप को कैसे ट्रीट करना है। या हम सबको पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, वो हमारे हक में है या अगेंस्ट है, तो आपके पास पूरा राइट है कि आप वहाँ से हट सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ राइट टू से नो। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास वो राइट है कि आप कब किसको रोक सकते हैं, कब किसको नो बोल सकते हैं या फिर उसको वही चुप करा सकते हैं। अगर कोई भी बिहेवियर आपके फेवर में नहीं है, फेवर इन द सेंस वो आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, आपको खुद को तो पता ही है कि किस तरीके से आपको अपने आप को ट्रीट करना है, तो अगर कोई भी चीज़ आपको अपने अगेंस्ट लग रही है, ठीक है तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा है, मुझे नहीं पसंद, नो, ये आपको जग रूड या फिर ऐसा नहीं बनाता कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। अपने बारे में सोचना इनमें से कोई भी कैटेगरी में नहीं आता। आपको पता है कि आपको कैसे ट्रीट होना चाहिए, आपको पता है कि आपको कहाँ पे किसी को रोक देना है, तो आपके पास पूरा राइट है कि आपको किसको नो कब बोलना है। फोर्थ पॉइंट इज यू हैव इंस्टिंक्ट और इनसाइट। आपको पता होता है कि आपके साथ क्या होने वाला है या क्या बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि मुझे ऐसा इंसाइट आ रहा है या फिर मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि ये गलत हो रहा है और भविष्य में यही चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी, तो आप पहले से ही बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मेरे पास दूसरे प्लान्स हैं, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। कोई एग्जाम्पल, कोई वो इंसान किसी रिलेशनशिप में आप हैं या फिर कोई फैमिली ही है और आपको किसी का बिहेवियर नहीं पसंद आता है, तो आप
उसके साथ कंटिन्यू ना करके जाकर ना कोई बहाना कोई भी चीज़ बना सकते हैं कि मेरे पास खुद के प्लान्स हैं, मैं अपने काम कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, आप अपना काम कीजिए। लास्ट इज़ अगर आपने कोई भी इनमें से कोई भी कैटेगरी रिकॉग्नाइज की है और एक फिक्स की है तो उस पर स्टिक रहना है। आपको पता है कि आप कौन है, आपको किस तरीके से अपना आपको ट्रीट करना है, किस तरीके से अपना आपको प्यार करना है, कोई और ये चीज़ आपको नहीं सिखा सकता। अपनी बाउंड्रीज, अपनी हेल्थी बाउंड्रीज आपको खुद बना के रखनी पड़ेगी कि कोई आपको ब्लेम ना करे बेवजह, मतलब आपने कोई गलती नहीं करी फिर भी ना करे, डोमिनेट करने की कोशिश ना करे, और सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी खुद को आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपने कोई भी प्लान बनाया है तो स्टिक विद इट, उसके साथ जुड़े रहें और उसको ही फोकस करें, एम बना के चलें। सो इन कोर वी नो हु वी आर एंड व्हाट वी डिजर्व एंड टीच अदर हाउ टू ट्रीट अस प्रॉपरली, एंड ये आपको सेल्फिश नहीं बनाता है, ये आपको एक हॉरिबल पर्सन नहीं बनाता है, ये आपको वो बनाता है जो आप हैं, एक यूनिक और वंडरफुल इंसान। आपकी कैपेबिलिटीज सिर्फ आप जानते हैं, आपका बिहेवियर सिर्फ आप जानते हैं। अगर कोई आपको एक सही वे में ट्रीट नहीं कर रहा है तो उसको सिखाना पड़ेगा और उसको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको ट्रीट करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ अपनी पसंद आती है तो स्टिक विद इट, कुछ भी किसी और की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिक हैं, आप सबसे बेस्ट हैं एंड यू वर्थ इट।